अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। मेरा नाम है मोहम्मद ईशान और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल मोहम्मद ईशान व्लॉग। तो फाइनली जी हम पहुंच चुके हैं फ़िश हंटिंग के लिए। अभी अभी स्कूल से फ्री हुई हैं, वहां पर जो हमने डेकोरेशन करनी थी, स्टेज वगैरह बनाना था, वो बना लिया। तो अभी हम आए हैं इधर फिश हंटिंग के लिए। आपने अगर तकरीबन 10-15 दिन पहले एक मैंने व्लॉग अपलोड किया था, उसके अंदर मैंने ये जगह दिखाई भी थी आपको कि यहाँ पर हमने उस दिन जस्ट फिश वगैरह देखी थी। तो आज आए हैं स्पेशल, कल हमने डिसाइड किया है तो आज इधर आ गए हैं। ये सीन है यहाँ पर। फाइनली जी हम पहुँच चुके हैं जिस जगह पर, ये वाली जगह। थोड़ा आगे करके आबशार भी थी, वो मैंने पिछले एक व्लॉग के अंदर आपको दिखाई भी थी। तो थोड़ा आगे करके आबशार है और यहाँ पर मछलियाँ काफ़ी बड़ी बड़ी हैं और काफ़ी ज़्यादा तादाद के अंदर हैं। साथ खाना वगैरह भी लाए हैं, लेकिन देसी खाना है, वो जब खाएंगे तो आपको दिखाएंगे। बड़ा फर्स्ट टाइम हम आए हैं तो देसी खाना यहाँ खाएंगे, तो इस वजह से। बाकी अभी स्टार्ट करते हैं शिकार मछली का। उस जगह पर आबशार है, आवाज़ आपको आ रही होगी, वैसे अंधेरा है क्योंकि थोड़ा आगे करके ना चट्टान के अंदर है, तो इस वजह से आबशार तो क्लियर नज़र नहीं आ रही होगी, बट बिल्कुल उसके अंदर है और पानी बिल्कुल साफ सुथरा है, पानी बिल्कुल साफ सुथरा है। इस साइड पे भी पहाड़ है और दूसरे साइड पे भी पहाड़ है और यहाँ पर किसी किस्म की कोई सर्विस वगैरह भी नहीं होती। सारी ये चट्टान है, 7 चट्टान। यहाँ पर पहले भी आसार हैं, कोई बंदा आया यहाँ पर कुंडिया लगा के बैठ रहे हैं क्योंकि ये साथ लगे हुए हैं। पहले इस जगह देखेंगे फिर पीछे जाएंगे क्योंकि इधर पानी भी ज़्यादा है और यहाँ चांसेस ज़्यादा है कि यहाँ पर बड़ी मच्छी हमें शायद मिल जाए। कुंडिया हम साथ ले आए हैं, इसके अलावा चिकन और सारी फ्रेश मटकी। नहीं मैंगो दे जी, 60 टॉफियाँ वगैरह भी चलेंगी रिफ्रेशमेंट के लिए। जी ठीक हो गए। हाँ जी, तो यहाँ पर काफ़ी टाइम कुंडी लगा के बैठे हैं बट कोई चीज़ वसूल नहीं हुई, तो प्लान ये बना है कि यहाँ से जाते हैं और डैम है तो उस साइड पे जाएंगे, वहाँ से उम्मीद है कुछ ना कुछ ज़रूर इंशाल्लाह मिल जाएगा। तो सब ने ये कुंडियाँ लपेट ली हैं, बस निकलने लगे क्योंकि यहाँ पर टाइम वेस्ट करने का फ़ायदा नहीं है, काफ़ी टाइम हो गया। लेकिन कोई नहीं, उस दिन तो काफ़ी नज़र आ रही थी बट आज बिल्कुल ना होने के बराबर है। अच्छा कोई नहीं, नज़र आ रही कोई है भी सही तो बिल्कुल छोटियाँ छोटियाँ हैं, ना होने के बराबर है। तो फिर निकलते हैं सीधा, फिर डैम पर ही आपसे मुलाकात होती है। हाँ जी, तो फाइनली डैम पर पहुँच चुके हैं, ये वाली जगह जहाँ हम हंटिंग स्टार्ट करेंगे। ऑलरेडी उधर कुछ बंदे बैठे भी हैं, वो भी कुंडिया लेके बैठे, तो हम भी आ गए हैं साथ। खाना भी लाए थे, शायद पहले खाना खाएं उसके बाद फिर हंटिंग स्टार्ट करें, यहाँ पर चांसेस तो हैं, बाकी देखें। फिर पहुँच चुके हैं जी, सबसे पहले भी खाना वगैरह खाते हैं तो उसके बाद फिर हंटिंग स्टार्ट करते हैं। पानी के अंदर ये थोड़ा गंद है, इससे थोड़ी प्रॉब्लम होगी बट करते हैं इसका जुगाड़ कुछ ना कुछ। खाना बिल्कुल हमारा प्योर देसी है, ये है हमारा पराठा साथ अंडा और अचार, ये देखें अचार फुल देसी मोल। खाना खाएंगे उसके बाद ही फिर स्टार्ट करते हैं शिकार। तो डैम पे जैसे गए थे वहाँ भी नहीं मिली मछलियाँ, उसकी रीज़न ये थी कि बहुत गंदा पानी था, उसके ऊपर सारा वो गंद वगैरह जमा हुआ था, मछलियाँ नीचे थी, एक दो नज़र आई हैं बट वो भी ना होने के बराबर। तो इस वजह से अब दूसरी साइड पे जा रहे हैं, वो सारे लड़के थे वो कह रहे थे दूसरी तीसरी जगह बल्कि जा रहे हैं, तो बाकी ये लोग आगे जा रहे हैं और लड़के उस साइड पे जा रहे हैं। तो आज ज़रूर मछलियों का शिकार करके ही लाएँगे, अच्छा छोड़ेंगे नहीं आज मछलियों को। यहाँ और मिल जाती है डैम से, लेकिन यहाँ ये है कि पानी के ऊपर बिल्कुल गंद बिछा हुआ है जिसकी वजह से मछली भी नज़र नहीं आती और कुंडी पानी के अंदर नहीं जाती,
तो ये रीज़न है। बहरहाल अभी तीसरी जगह जा रहे हैं, फिर देखते हैं वहाँ कौन सी जगह है और कितनी दूर है। पीछे खड़े करने के बाद अभी इस रास्ते से गुजर रहे हैं, ये वाला रास्ता, यहाँ से जी। तो फिश हंटिंग से वापस आ गए थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली और कह सकते हैं कि आज का दिन हमारा बहुत ही बुरा था, क्योंकि हम तीन जगह पे गए हैं मुख्तलिफ जहाँ पर मछलियाँ बहुत ही ज़्यादा होती हैं, लेकिन हमें एक भी नहीं मिली। दो तीन देखी थी लेकिन वो है कि भाग गई, उसके अलावा बिल्कुल भी नहीं मिली। तो आज का शिकार यही समझे कि रायगढ़ चला गया। बहरहाल कोई बात नहीं, इंशाल्लाह फिर कभी जाएंगे। इसके साथ ही आज की वीडियो को यहाँ पर करते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको आज की ये वीडियो पसंद आएगी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो पंडित चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शुरू से एंड तक देखें और वीडियो को दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। तो अभी फ़िलहाल मंसूर के पास आएँ, तो मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।